दोस्तों वेलकम टू मूवी नाइन। आप सबका स्वागत है मूवी नाइन की एक स्पेशल फूड प्रोग्राम फूडी नाइन पे। तो दोस्तों आज हमारा मेनू है होममेड तंदूरी चिकन, वो भी फुल। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं तंदूरी चिकन। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है प्याज, गार्लिक जिंजर पेस्ट, तंदूरी मसाला जो आता है पैकेट का, अमूल बटर, खट्टा दही, 8 नींबू मैंने यहाँ पर यूज़ किया, कैप्सिकम, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, टमाटर और ये है हमारा चिकन। देखिए चिकन को मैंने यहाँ पर थोड़ा बीच बीच से चीर दिया ताकि जो हमारा मसाला है वो अंदर तक पहुँचे और टेस्ट में भी बढ़िया लगे। तो आइए दोस्तों पहले जो हमने मसाला दिखाया उसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेते हैं। और सबसे पहले इस चिकन पे हम देंगे अभी नींबू। इस चिकन पे हमको पहले नींबू देना पड़ेगा, जो नींबू हमने लिए थे 8 वही पूरा नींबू लगेगा क्योंकि यहाँ पर 3 चिकन है हमारे पास। अच्छी तरह से नींबू का रस अंदर तक जाना चाहिए चिकन का, इससे क्या होता है कि जो चिकन है हमारा बढ़िया से मैरिनेट होता है, सॉफ्ट बन जाता है थोड़ा। इसके बाद हम देंगे गार्लिक जिंजर जो पेस्ट हमने लिया है यहाँ पर। 3 मुर्गी के लिए मैंने यहाँ पर 8 पैकेट लिया गार्लिक जिंजर जो पेस्ट है। आप अगर चाहे तो 1 मुर्गी के लिए 3 पैकेट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम देंगे धनिया पत्ता ग्रेट किया हुआ, जिसे मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया। इसके बाद हम देंगे प्याज जो था हमारे पास, उसे मैंने थोड़ा ग्रेट कर लिया, वही अब देंगे। इसके बाद हम देंगे हरी मिर्च, उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया। उसके बाद हम देंगे कैप्सिकम जो लिए थे हमने, उसे भी ग्रेट कर लिया, वही हम इस पे देंगे। अब देखिए एक बात, आपको अगर तंदूर बनाना है तो मसाला को बढ़िया से आपको ग्रेट करना पड़ेगा ताकि अंदर तक मसाला जाए। तो चलिए इसके बाद हम देंगे जो टमाटर था उसे भी हमने ग्रेट कर लिया था, वो देंगे अभी। इसके बाद हम देंगे रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च। देखिए लाल मिर्च मैंने यहाँ पर बहुत सारा नहीं यूज़ किया, लेकिन 3 मुर्गी के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि कलर भी आना चाहिए। इसके बाद हम देंगे थोड़ा सा नमक अपने अंदाज से, जितना आपका क्वांटिटी होगा उसी का अंदाज से
आप नमक इसमें देंगे। इसके बाद हम देंगे ये एवरेस्ट का तंदूरी मसाला हमने लिया है यहाँ पर। आप चाहो तो घर में भी तंदूरी मसाला खुद बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया। ये मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 पैकेट यूज़ किया यहाँ पर। इससे जो होता है ना तंदूर वाला जो फ्लेवर आपका जो एक स्मेल आता है तंदूर का, और टेस्ट भी बढ़िया लगता है ये। एक्चुअली ये तंदूर मसाला आप घर में भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ख़रीदा हुआ बाहर का जो आता है पैकेट में, वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया, वो भी 1.5 पैकेट। क्योंकि तंदूर मसाला डालने से तंदूर का फ्लेवर भी अच्छा निकलता है और टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया होता है। इसके बाद हम बटर इसमें थोड़ा सा देंगे, क्योंकि जब हम इसको रोस्ट करेंगे तब उसके ऊपर हमको बटर डालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बटर देंगे। इसके बाद हम देंगे इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। इसके बाद हम देंगे खट्टा दही जो हमने लिया था, खट्टा दही देंगे इसके अंदर। देखिए मैंने यहाँ पर नींबू और दही का दोनों का ही इस्तेमाल किया, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और बेक्ड होने में ज़्यादा टाइम ना ले और टेस्ट भी इसका बरकरार रहे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए इसे हम छोड़ देंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपको मिक्स करना है, ताकि चिकन के हर एक कोने पर मसाला पहुंच जाए। क्योंकि ये बेक्ड आइटम है, इसलिए मसाला के ऊपर ही पूरा कुक्ड होगा। इसलिए मसाला आपको अच्छी तरह से डालना पड़ेगा इसके अंदर तक। देखिए कुछ इस तरह से अंदर तक आपको मसाला भर देना पड़ेगा चिकन के अंदर तक। तो देखिए इस टमाटर के छिलके और कैप्सिकम के छिलके को मैंने रख दिया था ग्रेट करने से पहले, ताकि इसको हम चिकन के अंदर दे सके और एक अच्छा फ्लेवर आए चिकन से। कुछ इस तरह से चिकन के अंदर आपको टमाटर और कैप्सिकम के छिलके को घुसाना पड़ेगा। इसके बाद ये देखिए नींबू के छिलके भी मैंने रख दिए थे, इसका जो शिड्स है हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए ये नींबू के छिलके को भी हम दे देंगे अंदर, ताकि नींबू का एक अच्छा फ्रेग्रेंस आए चिकन के अंदर से। कुछ इस तरह से तीनों चिकन के अंदर मैंने ये नींबू के छिलके भी डाल दिए।
अब इसको छोड़ देंगे हम एक घंटे के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने छत पे ये ऐसा एक चूल्हा बना लिया और उस पे डाला चारकोल और फिर आग लगा दिया। जब आग एकदम लाल हो जाएगा तब हमें डालना पड़ेगा चिकन। और ये देखिए, एक घंटा बाद हमारा चिकन मैरिनेट होके रेडी है सेकने के लिए। तो अब हम इनको देंगे रोस्ट करने। तो दोस्तों, जैसे ही चिकन थोड़ा सा सूखने लगेगा तो आपको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके बटर देना पड़ेगा ताकि हर एक जगह चिकन का अच्छी तरह पक सके और टेस्ट भी बढ़िया आए। काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा है इससे, मुझे तो अभी खाने का जी कर रहा है ये। चलो डाल देते हैं थोड़ा बटर। वाव, मस्त है। तो दोस्तों, हमारा फुल तंदूर चिकन रेडी है। अब हम इसको थोड़ा गार्निश करेंगे। ये तंदूर अभी काफ़ी गर्म है और इसके ऊपर बटर देने से काफ़ी अच्छा स्मेल आता है। जो खाता है उसका तो बस मुंह में लग जाता है ये स्वाद। देखिए दोस्तों, गार्निशिंग के बाद हमारा तंदूर रेडी है। तो देर किस बात की, आज ही ट्राई कीजिए अपने घर पे चिकन तंदूर।